Hi everyone, let's come to question number 33 of practice questions. Jo students is video ko pehli baar dekh rahe hain, please description mein ek file ka link hai, usko download kijiyega aur questions karne shuru kijiye. Question 33 ek total income ka question hai aur kafi zyada important hai examination point of view se. Chaliye jaldi se shuru karte hain. The question says, Ms. Jaya, a resident individual age 50 years, senior citizen nahi hai. Provides the following information for the financial year 18-19. First point, she is a partner in AK and company. She is a partner and received the following amount from the firm. Share of profit 35,000. Share of profit, you know, it is exempt. Iske upar to firm ne tax diya hi hoga 30% ke rate se. Aur jab bhi hume partnership firm ke profit ka share milta hai, that share is exempt under section 10. To isko income mat banaiyega. Interest on capital 15% per annum 3 lakh rupees. आपको पता है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स अलाउड है मैक्सिमम 12%. अगर आप सेक्शन रेफर करना चाहते हैं तो सेक्शन 40 स्मॉल बी पीजीबीपी का सेक्शन 40 स्मॉल बी रेफर कर सकते हैं व्हिच सेज कि पार्टनर को आप इंटरेस्ट दे सकते हैं बट मैक्सिमम 12%. इतना खर्चा अलाउड है और अगर इससे ज़्यादा दिया है तो हम फर्म के लिए डिसअलाउ कर देंगे. तो आउट ऑफ दिस 3 लाख विच इज 15% आप ये बता दीजिएगा 3% इसका कितना होगा. 3 लाख डिवाइड बाई 15 × 3. इसके ऊपर तो टैक्स फर्म ने ही दिया होगा क्योंकि फर्म के हाथों में डिसअलाउ हुआ था. जो इंटरेस्ट फर्म के हाथों में अलाउ था, फर्म के हाथों में अलाउ था मतलब फर्म के एक्सपेंसेस माने थे. किसको मिल रहे हैं ये? पार्टनर को. तो ये पार्टनर की इनकम बन जाएगी 12%. पार्टनर की इनकम कितनी बनाएंगे? 3 लाख डिवाइड बाई 15 × 12. दिस विल बिकम पीजीबीपी इनकम. आपको पता है सेक्शन 28 इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी जो कहता है कि एनी रेमुनरेशन विच यू रिसीव फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म बाय अ पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी. ये पीजीबीपी की इनकम बनने वाली है. कितनी बनाइएगा? 3 लाख डिवाइड बाय 15 × 12. जो फर्म का खर्चा माना गया वो पार्टनर की इनकम आ गई. उसके बाद दिया हुआ है सैलरी टू वर्किंग पार्टनर. सैलरी टू वर्किंग पार्टनर और लिखा हुआ है फुली अलाउड टू द फर्म, यानी कि फर्म का खर्चा माना गया था. अगर फर्म के एक्सपेंसेस थे तो इनकम किसकी थी? पार्टनर की. ये पार्टनर की इनकम बनने वाली है 1 लाख. तो यहाँ से इनकम आने वाली है इंटरेस्ट की और सैलरी की 1 लाख. सेकेंड पॉइंट है, शी इज रनिंग अ राइस मिल एज अ प्रोप्राइटर. शी हैज हर ओन बिजनेस ऑफ राइस मिल. देखते हैं कि यहाँ से कितनी इनकम आती है. एंड द नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट इज 4,50,000. आप पीजीबी इनकम जब निकालें तो 450 से शुरू करें नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट. द फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. एडवांस इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स पे करा है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता. 40 स्मॉल ए एक्सपेंसिस नॉट अलाउड इसको डिसअलाउ कर देता है. 1 लाख को एडबैक कीजिएगा. पर्सनल ड्रॉइंग इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, एडबैक कर दीजिएगा 1 लाख और 50,000 को. उसके बाद दिया गया है द फॉलोइंग आइटम्स आर क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई. 12,000 रुपए का सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है. आप इसको यहां से हटा दीजिएगा बिकॉज दिस इज नॉट योर बिजनेस इनकम, दिस इज आईएफओएस. 12,000 रुपए आईएफओएस में जाएंगे. इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस 5,000 रुपीज. ये 5,000 भी यहां से हटा दीजिएगा, आईएफओएस में जाने वाले हैं. आईएफओएस में जाकर देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे. डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड कंपनी डीडीडी पेड. डीडीडी मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. पे हो चुका है 80,000 रुपए. 80,000 भी यहां से हटा दीजिए बिकॉज दैट विल गो इन आईएफओएस. बट आपको पता है आईएफओएस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे 1034. एक और हम जानते हैं कि 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड होता है तो जितना ज्यादा होता है वो आज टैक्सेबल हो जाता है एट अ स्पेशल रेट ऑफ 10%. बट यहां पर तो 80,000 है, 80,000 तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. पीजीबी इनकम से ये तीनों इंटरेस्ट हटा दीजिए और डिविडेंड भी हटा दीजिएगा. लिखा है शी ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच वॉज सोल्ड इन जनवरी 17. जनवरी 17 में एक प्रॉपर्टी बेच दी गई है, पुरानी बात है, उस समय कैपिटल गेन आया होगा. बट शी रिसीव 90,000 बाय वे ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट. रेंट का एरियर मिला है. यू नो दैट इज इट इज अ डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम. तो जब भी अगर एरियर मिलता है, चाहे आपके पास घर हो या ना हो, योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल अराइज. एंड आपको पता है एरियर्स ऑफ रेंट में 30% की डिडक्शन देते हैं और सिर्फ 70% ही इसको टैक्सेबल करेंगे. सो हेयर योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल ऑल्सो अराइज 90,000 का 70%, दैट इज 63,000. फोर्थ पॉइंट सेज शी हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर सकते हैं अपनी, अपने स्पाउस की, अपने चिल्ड्रन की, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और सिर्फ पेरेंट्स की नहीं कर सकते.
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पर है बच्चों की अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है तो अलाउड है एंड द पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1/10/2013. यू नो अगर पॉलिसी की डेट 1/4/2012 से पहले की होती है तो हम सम एश्योर्ड का 20% तक ले सकते हैं एंड नाउ इट इज़ 10%. तो सम एश्योर्ड है 5 लाख, प्रीमियम पे करी है 60,000, तो 5 लाख का 10% मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन मिल पाएगी. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं अपना, स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, और दूसरा पेरेंट्स का. पेरेंट्स कैन बी डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट. तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 35,000 रुपीज़ का अलाउड है, और क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए पे किया गया है जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000, तो 80D की भी डिडक्शन दे देंगे आप 50,000. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम. प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप कीजिएगा. सबसे पहले हाई लेवल पे लिखेंगे कि इनकी PGP इनकम आती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, IFOS की इनकम आती है. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना आसान था, 70% ऑफ द एरियर्स ऑफ रेंट टैक्सेबल हो जाएगा. PGP के लिए वर्किंग नोट बनाइएगा, 2 PGP आ रहे हैं इनके, एक तो पार्टनरशिप बिजनेस से, दूसरा राइस मिल से. तीसरी इनकम इनकी IFOS की होगी. इंटरेस्ट की हमारा 12,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा. पोस्ट ऑफिस का 5,000 में से 3,500 की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 57, तो यहाँ पर 1,500 रुपये ही टैक्सेबल करेंगे. उसके बाद डिडक्शंस में 80C आएगा, 80D आएगा और 80TTA भी आएगा, क्योंकि इनको सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है, विच इज़ मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं. इस तरीके से टोटल इनकम कैलकुलेट कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.